guys, so it's another day in South Korea and we are going to a very famous location which is Gyeongbokgung Palace and uske baad hum shayad kahin vegan food dhoondne jayenge again in search of vegan food. Yahan pe ek bahut hi pretty si wall hai jisme bahut sari art hui hui hai. I think this is very famous and iska kuch naam hai jo mereko nahi pata hai. So I am with Priya. Hi. Aur dekhte hain, let's see how our day goes. Aur kafi hi achhi si outfit pehni hai, so I'm gonna show you what I'm wearing right now. My outfit today, I'm wearing this dress from Urbanic. ऐसा लग रहा है बहुत सारे कपड़े Urbanic के ही हैं, बट ये बहुत ही प्रिटी ऑर्गेंजा ड्रेस है. फ्लोरल प्रिंट है इसमें और भी ऑप्शन थे. हमने सोचा था कि हम इंसादंग बाद में जाएंगे, पर अपेरेंटली वो रास्ते में पड़ गया और हम पहले इंसादंग पहुँच गए हैं. ऐसा लॉल मेरे साथ होता था. ओह हाँ, देखो इट्स कन्फर्म नाउ, क्योंकि मुझे प्रिया पे भरोसा नहीं हो रहा था. एक्सक्यूज मी, मैंने लिटरली देखो पढ़ के बताया. कोरियन ट्रेडिशनल सुवेनियर सेंटर. तो यहाँ से आप अपनी खान अपने लिए वो घर ले जाने वाला सामान लेके जा सकते हो. क्या ये क्या है? क्या आई डोंट नो, कुछ है ये समथिंग समथिंग. सी यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज हैं. कोरिया की गज्जक मूवी लग रही है ये मेरे को तो. यहाँ पे तुम शॉपिंग भी कर सकते हो. ये तो हमारे सरोज नगर वाला सामान लग रहा है मुझे, बहुत महंगा मिल रहा है. ये छोटा क्लचर 2001 का है, दैट मींस इट्स 120 रुपीस. ये हमारे यहाँ 5 रुपए का मिलता है. इतना वो इतना है, उसमें मेरे 4 बाल नहीं समाए. जैसे कि म्योंगडोंग में थी एक एक्सेसरीज की शॉप, यहाँ पे भी है एक बहुत बड़ी एक्सेसरीज की शॉप. ये देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा सुंदर हैंकी मिल रहे हैं, और ये कुछ मिल रहा है गले में पहनने का, क्या बोलते हैं, सही कॉलर स्कार्फ आई डोंट नो. और ये रहे बहुत सुंदर सुंदर ग्लव्स, ये हम आके लेंगे अभी थोड़ी देर में अगर हमें से कुछ मिला. ये है 5900 वॉन, यानी कि कितने रुपए के बता दें. 360 शिवानी तुझको ढूंढ रही थी मैं, तू चली गई, फोटो ले रही है. कुछ हो रहा है, ये सूप फैल गया बेचारे का, तुझे कह रही कुछ हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है ये देखो. वाह, कितना पास है ये इंसादोंग के, लाइक लिटरली 5-6 मिनट लगे पैदल आने में. सही है, सब कुछ पास पास है, मज़ा आ रहा है, पर हैंडबुक नहीं लेकर आई मैं. वी आर फाइनली सीइंग द पैलेस. फाइनली पहुंच गए हैं ग्योंगबोकगुंग पैलेस. आई होप मैं जल्दी इसमें सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मुझे इसे बोलने में, पता नहीं क्यों. एनीवेज बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है, एंड मैंने सुना ये 1350s में बना था, जो कि लाइक बहुत 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 पहले का बना हुआ है. और इसके बाद जापान ने बहुत बार अटैक किया था, तो ये टूटा भी, फिर दोबारा इन्होंने ठीक करा, रिनोवेशन किया, एंड नाउ हेयर्स द पैलेस. और इसके पीछे माउंटेन है, जो कि इट मेक्स इट लुक सो ब्यूटीफुल. और इसके दूसरी साइड है सोल सिटी, मतलब सोल में तुमको मिक्स ऑफ बोथ मिलता है, यू गेट हिस्टोरिकल प्लेसेस, यू गेट एडवांस बिल्डिंग इज वेल, तो सब कुछ मिल रहा है, दिस अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. पूरा जो घूमने का एरिया है ना, मेरे ख्याल से सोल में काफ़ी ज़्यादा है. बहुत सारे लोग यहाँ पे हैंडबुक पहने हुए हैं. आई रियली वॉन्टेड टू वेयर इट, मेरी ड्रेस कौन सी कुछ कम है, हैंडबुक जैसी है बस थोड़ी छोटी है. हम लोग बहुत देर से घूम रहे थे कि टिकट कहाँ से लेनी, टिकट कहाँ से लेनी. वहाँ पे एक लाइन भी लगी थी, पर वो बोल रहे थे कि रात के लिए है. हमने कहा पता नहीं रात के लिए क्या सीन है, पता नहीं क्या बोला कि 5 बजे तक खुला होता है उन्होंने. फिर हम यहाँ गए, गेट पे पूछा, कह रहे कि जाओ जाओ. प्रिया ने पूछा कि क्या सीन है मतलब टिकट का, तो बोलते हैं टुडे फ्री बिकॉज इट्स चूसअप टुडे, दैट इज व्हाई आई गेस. मजे आ गए, लास्ट डे ऑफ चूसअप, फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाए. फ्री में जो चीज़ मिल जाए वो बड़ी अच्छी लगती है. वैसे बहुत महंगी टिकट नहीं है, इट्स जस्ट 3000 वॉन पर पर्सन, और इफ़ यू आर वेयरिंग द हैंडबॉक वो फिर तुमको टिकट की ज़रूरत ही नहीं है.
ऊपर से. हाँ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा है भाई. इतना बड़ा नहीं सोचा था मैंने, यहीं तक देख रहा था दूसरे के ब्लॉग्स में. इसके अंदर बहुत सारा है, यहाँ पे भी है. मोस्टली इसी थीम के बने होते हैं यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल जगहें जो भी हैं. इसको अपस्टेयर्स देखते हैं, वहाँ पे कुछ है क्या जहाँ पे हम कुछ पढ़ सकें यहाँ के बारे में पुराने. भैया यहाँ से देखिए ब्रो, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पीछे. यहाँ से देख, यहाँ से लेना यार. यहाँ पे सब कुछ ना बहुत सुंदर सुंदर है. और जैसे हमारे यहाँ के पैलेसेस होते हैं ना, उनकी सबकी एक वाइब होती है सारे पैलेसेस की, ऐसे ही यहाँ पे भी एक वाइब है सारे जितने भी गेट्स हैं पैलेसेस हैं उन सब की, और मंदिरों की भी सारे. ओ माय गॉड, सो यहाँ पर यहाँ के राजा थे जो वो बैठते थे. दिस इज जस्ट गॉर्जियस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. यार हम लोगों ने वो पैलेस देखा है वहाँ जहाँ पे जो किंग थे बैठा करते थे अपनी सभा के साथ और सब कुछ बताया करते थे. अब यहाँ पे और भी कुछ है, वॉशरूम का बोर्ड लगा है वो है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे उसके आगे जाएंगे जहाँ पे आई थिंक उनके घर वाले लोग रहते होंगे प्रॉबेबली. और यहाँ पे एक और सिमिलर सी बिल्डिंग है, इसमें भी कुछ कुछ हुआ. मामा रहते होंगे. एक नदी में खाली करी थी एक शो में, क्वीन में. ओह हाँ, ओ माय गॉड यस, क्वीन. अगर किसी ने देखा है देखें, मिस्टर क्वीन. जो ये क्वीन वाला जो मैंने सेट सा देखा था अभी, वहाँ पे जो पानी है वो मैन मेड है और वहाँ पे बोटिंग कर सकते हो. और ऊपर जो है क्या था, ऊपर ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, ऊपर कैसे क्या करते हैं? अरे मैं बताती हूँ. सो बेसिकली दैट बिल्डिंग, उसके आसपास जो पॉन्ड है, इट्स अ मैन मेड पॉन्ड, और उसके अंदर वो लोग बोटिंग वगैरह भी करते थे. एंड द होल बिल्डिंग इन इटसेल्फ इज बिल्ड फॉर लाइक फॉरेनर्स और लाइक अ रॉयल बैंक्वेट. तो कोई भी फॉरेनर आता था तो उसको वहाँ पे रुकवाते थे और इवेंट अगर करते थे वहाँ करते थे. एंड इट हैज़ अ व्यू ऑफ द पैलेस ऑल्सो. तो गाइज यहाँ पर बाकी राजा और रानी ये सब लोग रहते थे. तो राजा और रानी का जो रेजिडेंस था वो अलग अलग था बेसिकली, क्योंकि राजा जो है अपनी स्टाफ मीटिंग्स और बहुत कुछ उनको करना होता था, और जो रानी होती थी वो कमांडर इन चीफ हुआ करती थी उस टाइम पे. ऐसा ऐसा लिखा हुआ था बोर्ड पर. वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक पहाड़ बना हुआ है. तो सबसे अच्छी पार्ट यही है कि इट्स सो नियर टू नेचर और कितना अच्छा मौसम रहता है, मज़ा ही अलग है. ये वही फॉरेनर्स वाला घर है जहाँ पे फॉरेनर्स को रुकाया करते थे. कितना साफ होता है ना. हम लोग आ गए हैं ओट कैफे यहाँ, विच इज़ अ वीगन रेस्टोरेंट, और हमने दो चीज़ें ऑर्डर की हैं. लेट्स सी कैसे होते हैं. तो कुकी और छापचे मुझे तो कुछ खास नहीं लगी थी. सो वी हैव गॉट बिबिम्बा एंड मांडू. वी आर डन विद आवर डिनर. काफ़ी ज़्यादा ही पेट भर गया है मेरा, और कुछ ज़्यादा ही हेल्दी सा डिनर था एक्सेप्ट फॉर द मांडू. वो थोड़े ऑयली थे बट दे वर रियली टेस्टी. बट उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी डिनर नहीं था. है लाइक बिबिम्बा वाज सो सीम्स लाइक सैलेड. हाँ, बिबिम्बा वाज लाइक सो हेल्दी. तो ऐसा लग ही नहीं रहा, बिबिम्बा वाज लाइक अ सैलेड. तो मतलब पेट बहुत ज़्यादा भर गया, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सैलेड सैलेड खा लिया. बट हाँ, पहला मील होगा जो कोरियन खाना खाया और पेट भर के खा लिया है हमने, क्योंकि बाकी तो हम छोटे छोटे स्नैक्स ही ले रहे थे ना अभी तक. तो अभी भी एक दो दुकान खुली हैं बट अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं और ये हालत है. लाइक सब कुछ बंद हो चुका है एंड देयर इज ट्रैश एवरीवेयर. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो. टुडेज वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो है. हमने दो जगह घूम ली, इंसानोंग भी घूम लिया, हमने वीगन खाना भी खा लिया, हमने गंगबुक पैलेस भी देख लिया. सो वो कुछ बेच रही थी, आई थिंक कह रही थी कि ले लो, मूंगफलियाँ थी छिली हुई, बट हमें खानी नहीं है, हमारा पेट बहुत भर गया यार. चलो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय.